नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर एक बार फिर से हमारी चार धाम यात्रा सीरीज में। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं उत्तराखंड की जन्नत कही जाने वाली हरसिल घाटी में, और आज हम जा रहे हैं हरसिल से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुखबा गांव में। रास्ते में आप देख सकते हैं कितने सारे सेब के बगीचे यहाँ लगे हुए हैं, चारों तरफ सेब ही आपको दिखाई देंगे। हरसिल से मुखबा गांव की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित यह गांव अद्भुत नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। यहां प्रकृति की खूबसूरती को देखते हुए बहती हुई ठंडी हवा की आवाज़ महसूस कर सकते हैं आप। यहां आप बर्फबारी का भी लुत्फ उठा सकते हैं ठंडी के महीनों में। कई लोग इस जगह को देवी गंगा का घर भी मानते हैं। देवदार के वृक्ष और हजारों तरह के पेड़ पौधों और प्राकृतिक सुंदरता के बीच सुकून भरा पल बिताने के लिए उत्तराखंड में शायद ऐसी जगह आपको कहीं नहीं मिले। यहां आप ट्रैकिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। हम मुखबा गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। भागीरथी माँ गंगा के आपको दर्शन हो सकते हैं यहाँ से। कितना सुंदर व्यूज है माँ गंगा के, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। रास्ते में छोटा सा काली मंदिर भी आएगा। यहाँ से आप प्राकृतिक नज़ारा देख सकते हैं, कितने ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारे हैं यहाँ। यह गंगा मंदिर है यहाँ पर, और सर्दियों के मौसम में जब पट बंद हो जाता है गंगोत्री का, तो माँ गंगा की टोली यहीं पर निवास करती हैं। माँ गंगा, यह गंगा मंदिर। यहाँ अभी काम चल रहा था, शायद यहाँ मंडप लगा था, कोई कार्यक्रम था। सारे घर ये देख सकते हैं लकड़ी के बने हुए हैं, क्योंकि लकड़ी के घर ठंडी में गर्म होते हैं। यहीं ऊपर से आप नीचे धराली का दृश्य देख सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता का अगर आपको लुत्फ उठाना हो तो हरसिल घाटी में जरूर व्यतीत कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बम भोले, हर हर महादेव।